आपको यहाँ पर तीन ऐप के बारे में बताया जाएगा जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो वो तीन ऐप कौन कौन से हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर लैपटॉप से आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी स्क्रीन रिकॉर्डर की। स्क्रीन रिकॉर्डर पेन का साइज में छोटा कर लेता हूँ। एक है आपका स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए। दूसरा है आपको एक पेन, जो स्क्रीन पर लिखने के लिए पेन, जिस तरीके से मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ उस तरीके से एक पेन चाहिए होगा। और तीसरा आपको पेपर या बोर्ड के रूप में चाहिए होगा पेपर। तो इन तीनों के लिए आपको अलग अलग ऐप यूज करके उसको एक में कंबाइंड करना है और फिर उसका यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा ऐप आपके लिए सूटेबल है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आपका डीबॉट वीडियो कैप्चर स्टूडियो के नाम से है। इसको हम देख लेते हैं कि ये आपको कहाँ से मिलेगा, डीबॉट वीडियो कैप्चर। और दूसरा के रूप में आते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। डीवॉट स्क्रीन रिकॉर्डर ये आपको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। NCH सॉफ्टवेयर के नाम से यहाँ पर ये गूगल क्रोम में मिल जाएगा आपको, NCH सॉफ्टवेयर। अब ये जैसे यहाँ पर डाउनलोड के लिए दे रखा है, यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, परचेज कैसे करना है, आपका क्या होना चाहिए, पहले से आपका जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, उसकी मदद से ये परचेज होगा। इसकी रेट आपको यहाँ पर दिखा दी है, जैसे कि फुल फीचर्ड सिंगल इंस्टॉलेशन लाइसेंस, एक बार आपको इंस्टॉल करना है। उसका लाइसेंस दे रखा है $39.95, इतने रुपए का है। यहाँ पर अनलिमिटेड यूज़ बट लाइसेंस नॉन बिजनेस यूज, नॉन बिजनेस यूज के लिए ये ₹34 का है, 34-35 डॉलर का है, रुपए का नहीं है, $35 के आसपास का है। और तीसरा है ऑल अपडेट, परचेज करना है। तो कैसे परचेज करेंगे, आगे हम पढ़ते हैं इसको। न्यू सिक्योर चेकआउट पर जाइए, डाउनलोड सॉफ्टवेयर मैनुअल ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। सिल्वर में ₹9 का, तो टोटल प्लेटिनियम सपोर्ट यानी प्रायोरिटी फोन सपोर्ट भी 12 मंथ का है। तो आप कोई सा भी टेक्निकल सपोर्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नो पर्सनल टेक्निकल सपोर्ट, यहाँ पर आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। या प्लेटिनम सपोर्ट करेंगे तो आप में इसमें डॉलर और डॉलर जाएगा, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नो पर्सनल टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर्ड, ओनली मैनुअल और वेब सपोर्ट पेज एंड फॉरम, या फिर ईमेल सपोर्ट, सपोर्ट तो आपको सेलेक्ट कर लेना ही है। ईमेल सपोर्ट ले सकते हैं, तो जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर नो पर्सनल टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर्ड और नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, ईमेल आईडी डाल दिया, कंट्री डाल दीजिए आप कहाँ से खरीद रहे हैं इसको, जहाँ से भी खरीद रहे हैं। कंट्री आपकी जैसे इंडिया डाल दी, नेक्स्ट कर दीजिए।
इसमें सिर्फ वीजा जो मास्टर कार्ड वाले हैं वो ही यहाँ पर परचेज कर सकते हैं यहाँ पर डाल के, या पे बाई पेपल से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पेपल से भी आप पैसा दे सकते हैं। तो पेपल में अकाउंट होना चाहिए, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो पेपल में आपका अकाउंट होना चाहिए, यहाँ पर अपना अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और है तो आप लॉगिन कर दीजिए। तो जैसे 39.95 USD का ये वन टाइम इंस्टॉलेशन है जिसे मैं खरीद सकता हूँ, यानी $40 के आसपास में खरीद सकता हूँ। $40 हमारा 3500-3500 के आसपास होगा, जो भी डॉलर होगा वो आप कन्वर्ट करके देख लीजिए। जैसे 39.95 डॉलर, तो इनटू रुपीज़ हम देखते हैं तो कितने का हमारा ये होगा टोटल। ये 2896 रुपये के आसपास बैठेगा वन टाइम इंस्टॉलेशन। ओपन होने का हम इंतज़ार करते हैं इसका। अब जैसे इसको खुलने देते हैं, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारे पास में, वो है एपिक पेन। एपिक पेन आपको लेना है, एक एपिक पेन, ये एपिक पेन है, एपिक पेन डाउनलोडर फ्री। तो ये epicpen.com से ही डाउनलोड कर सकते हैं, ये स्क्रीन पर मार्क करने के लिए काम आता है। और तीसरा है आपका ड्रॉ बोर्ड, तो ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ बोर्ड, ये आपको 1500-2000 के आसपास पड़ता है पर मंथ और पर ईयर पड़ता है इसका। ड्रॉ बोर्ड डॉट कॉम ईयर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तीनों कंबाइंड काम कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डर है, उससे तो ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो ही रही है। ड्रॉ बोर्ड PDF फ्री प्रेजेंट फीचर्स, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप खरीद सकते हैं वॉइप प्रो। जैसे कि कहाँ से खरीदना है, ये दिख रहा है आपका वॉइप प्रो, यहाँ से 1500 पर इंस्टॉलमेंट लग रहा है, एक बार इंस्टॉल करने का 1500 रुपये है, तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इधर हम देखें जैसे कि ये मास्टर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी यहाँ खरीद सकते हैं, आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो ये तरीका है जिसको खरीद सकते हैं। अब इसको आप यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए हम इसी का यूज कर रहे हैं। जैसे कि ये डीबॉट वाला प्रोफेशनल YNCS सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग चल रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग विंडो कुछ भी आप सेलेक्ट करके, साइज स्क्रीन का साइज सेलेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एपिक पेन इंक्लूड है ₹228, और इसको परचेज कर सकते हैं। 1500 रुपये लगते हैं इसको इंस्टॉल करने के, एपिक पेन के नाम से है। एपिक पेन काम कैसे करता है, जैसे कि हमने ये देखा अपना एपिक पेन है, ये एपिक पेन को खोला तो यहाँ पर ये जो लोगो दिख रहा है ये एपिक पेन का है। इसमें यहाँ पर हम देखें ये पेन है, जैसे ये पेन है, ये पेन की तरह काम आएगा। सेलेक्ट करते हैं, ये पेन की साइज़ बढ़ा सकते हैं, जैसे पेन की साइज़ बढ़ गई है ये, और कम करना है तो ये पेन की साइज़ कम हो गई है, और इसको थोड़ा सा बढ़ाना है तो ये पेन की साइज़ और बढ़ गई है। अगर कलर यहाँ से नहीं लेना है तो ब्लैक ले सकते हैं, तो ब्लैक ले लिया तो ब्लैक काम करेगा। और हमने अगर और कलर लेना है, जैसे येलो लेना है तो येलो काम कर रहा है, जैसे ये ब्लू लेना है तो ये ब्लू काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये चार पाँच कलर है नीचे, यहाँ पर हम मेनू में कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक साथ इसको डिलीट कर सकते हैं। ये हम क्या है, ब्लैक बोर्ड ले सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ब्लैक बोर्ड सेलेक्ट कब होगा, जब हमारे पास में ये परचेज किया होगा।
काम कर सकते हैं। हाइलाइटर ले लिया हमने और इसको बड़ा किया तो हाई हाइलाइटर हो। आई वाले बटन पर दबा देंगे तो ये आप बाकी काम कर सकते हैं इसमें, और इस तरीके से ये सिलेक्ट होगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे आप इसको खरीद लेते हैं, 24 कलर आपको मिल जाते हैं। अभी 3-4 कलर हैं और पीडीएफ के कैसे काम करते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर है हमारा, इसमें देखिए हम हाईलाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का पेन ले लिया, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस में जा करके हम जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी ये कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी हम कैपेसिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसकी, कि भाई साइज़ कौन सा चाहिए उसका, पेन का कलर क्या होगा वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसको क्या कर देंगे, ऐड टू फेवरेट कर देंगे। ये सारे कलर हैं, इन सब कलर में कोई सा भी कलर ले करके, जैसे कि हम ले लेते हैं ये वाला कलर, कौन सा, येलो कलर लिया है, या फिर हमने लिया कौन सा कलर ले लेते हैं, ये कलर लेते हैं पिंक। अब इसकी विड्थ हमने कर दी थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, जैसे 1400 वाली हमने ले ली, 13 पे विड्थ ले ली, ऐड टू फेवरेट में कर दिया तो नीचे आ जाएगा, ऐड टू फेवरेट में आ गया, जैसे 15 है ये साइज। जैसे मान लीजिए इस विड्थ को हमने कर दिया सर, विड्थ को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, जैसे कि 8 कर दिया या 4 कर दिया, तो 4 में ये विड्थ। फिर दोबारा से हम क्या कर देते हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं, ये 4 में हो गया सेलेक्ट। इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये मान लीजिए कैपेसिटी हमें कम करनी है, इसकी कैपेसिटी हमने इतनी कर दी, तो कैपेसिटी कम कर दी तो ये दिख ही नहीं रहा कुछ भी। कैपेसिटी जैसे बढ़ाएंगे, जैसे आधी कर दी तो आधी में कैपेसिटी से हो जाएगी, तो कैपेसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पेन भी है और एक साथ डिलीट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन भी है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनको सेलेक्ट किया और डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट कर दिया। इरेजर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट पेपर है तो वाइट को मिटा करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पेन का काम करेगा। अब इसमें पेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 600 पेज का हमने क्या बना रखा है, ये फाइल बना रखा है, 600 पेज का एक बुक बना रखा है, 600 पेज के नोट्स बना सकते हैं, ऐसे कितने भी पेज के नोट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम गए ब्लैंक में जाएंगे हम, जैसे नया पेज डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर हमें जाना है न्यू, न्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ये अपग्रेड कर सकते हैं। पर मंथ प्रो में 4000 रुपये का है, 12 महीने का 4000 रुपये चार्ज लग रहा है। और यहाँ पर हम कोई भी ओपन ब्लैंक में अपने हिसाब से कोई भी फाइल बना सकते हैं, जैसे कि ओपन एंड क्रिएट में मैं गया, ओपन एंड क्रिएट में गया, यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है कोई भी अपने हिसाब से फाइल सेलेक्ट करना है, ब्लैंक पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। न्यू डॉक्यूमेंट्स को मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए मैं बना रहा हूँ किसके लिए, मैं रीजनिंग के लिए अपना एक नोट्स बनाना चाह रहा हूँ, रीजनिंग। तो यहाँ पर मैं रीजनिंग के लिए मान लीजिए मेरे नोट्स हैं 500 पेज में हो जाएगा कंप्लीट, तो 500 पेज लिख दिया मैंने और फिर इसको क्रिएट कर दूंगा, तो ये 500 पेज का कलेक्ट हो जाएगा। कलर भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कोई सा भी, जैसा भी चाहूँ सेलेक्ट अपने हिसाब से कलर, कस्टम कलर में भी हम अपने हिसाब से देख सकते हैं कोई सा भी कलर, तो हम जैसा चाहें वैसा कलर यहाँ पर ले सकते हैं। ब्लैक लेना चाहे ब्लैक ले सकते हैं, वाइट तो मैं वाइट ही ले लेता हूँ, तो क्रिएट डॉक्यूमेंट्स में कर दूंगा, तो ये 500 पेज का मेरे पास में नया फाइल बन जाएगा, वो रीजनिंग का फाइल बन जाएगा। तो इसमें 500 पेज तक मैं लिख सकता हूँ, जैसे ये 500 पेज का बन गया है फाइल, इसको जूम करके मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो भी मैं लिखना चाहूँ, जैसे कि ये पेन है तो ये लिख सकता हूँ मैं, ये पेन मैंने इसे पहले सेलेक्ट कर रखे हैं, जैसे ये पेन 5 साइज है तो 5 साइज, ये रेड है तो रेड से लिख सकता हूँ। और जैसे नीचे अभी 4 की सेलेक्ट का किया था मैंने, 4 का सेलेक्ट कर सकता हूँ।
और इरेजर का भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये इरेजर 64 वाला है तो 64 वाले से मैं मिटा सकता हूँ। इधर हमारे पास में ये 21 का इरेजर है तो ये सेलेक्ट कर लेगा सबको, इससे में मिट जाएंगे सारे जो भी मैंने लिखा है, वो सारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसका यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ये हम क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये तीनों सॉफ्टवेयर को कंबाइंड यूज कर सकते हैं।